आइए अगली खबर को करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मियों से भरी हुई बस शाहगंज में पलट गई। भोपाल के ट्रैफिक कांस्टेबल अशोक यादव की मौत हो गई। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल से मिल रही जहां पर आज भोज एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने के चलते यात्रियों ने जमकर बवाल काटा है। बताया जाता है कि जेट एयरवेज की यह फ्लाइट दिल्ली से सुबह 7:30 बजे भोपाल आई थी। वहीं इस फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली के लिए करीब 130 यात्रियों को जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते यह फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी और ऐसे में जो यात्री हैं वो बेहद परेशान हुए। उन्होंने जमकर एयरपोर्ट पर हंगामा किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब मांगा, लेकिन वही पुराना रटा रटाया रवैया और जवाब यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। विवेक शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, पुरानी तस्वीरें हो चुकी हैं कि लगातार जिस तरह से जो अगर हम बात करते हैं फ्लाइट रद्द हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, एक महीने में यह 5वीं मरतबा ये स्थिति बनी है। क्या कह रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी? बिल्कुल, हम बता दें कि कई बार इस तरीके की बात सामने आती है कि तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन ये नहीं देखी जाता है कि जिन यात्रियों को तत्काल रूप से दिल्ली पहुंचना रहता है उनके साथ किस तरीके की समस्या खड़ी हो जाती है। प्रबंधन एक बार सिर्फ ये कह देता है कि तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट कैंसिल कर, लेकिन वहां देखा गया कि एयरपोर्ट पर काफी यात्रियों को अर्जेंट जो है दिल्ली पहुंचना था, लेकिन फ्लाइट नहीं होने के चलते व्यवस्था करवाई गई विवेक इनके लिए जिनको अर्जेंट जाना था, और फ्लाइट में जो टेक्निकल फॉल्ट आया था उसको लेके क्या अल्टरनेट व्यवस्था कराई गई, इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाया गया? जी बिल्कुल, मैं बता दूं अभी यात्री यही भोपाल में है, भोपाल में एक निजी होटल में इनको शिफ्ट कर दिया गया है और अभी प्रशासन जो है बात कर रहा है कि जल्द से जल्द इन्हें दिल्ली पहुंचाने की बात कर रहा है, किसी एक अल्टीनेटर एक फ्लाइट की व्यवस्था करने की बात कर रहा है, नहीं तो ये सभी लोग शाम की फ्लाइट से फिर दिल्ली जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जिन लोगों को अर्जेंट काम थे उनके काम का क्या होगा, उन्हीं लोगों ने आज राजा भोज एयरपोर्ट पर हंगामा किया। वहीं पैसे की बात भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं तत्काल रूप से उनके पैसे भी वापस किए जाएं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके की सुध नहीं ले रहा है, यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।